हेलो एंड वेलकम टू जैव बाइट। मेरा नाम जेवियर है और आप देख रहे हो मेरा चैनल जैव बाइट। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जियोमैट एप्लीकेशन को पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ, आप जियोमैट एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन के अलावा अपने पीसी भी यूज़ कर सको। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। मैंने यहाँ पे अपना डेस्कटॉप पीसी चुना है। यहाँ पे मैं कोई भी वेबकैम यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वेबकैम नहीं है। मैंने पहले भी बिना वेबकैम को कैसे पीसी में यूज़ करें इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आई बटन पे उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ जूम एप्लीकेशन, गूगल मीटिंग और जियो मीटिंग ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल जैव बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल का लोगो है, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करके ऑल कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको जियोमेट एप्लीकेशन को आपको पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और एड्रेस बार पर टाइप करना है geometpro.jio.com/home। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले साइनअप करना है। साइनअप करने के या आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, लाइव इन बीटा रिलीज, स्मार्टर वे टू कोलैबोरेट एनीवेयर एनी डिवाइस एनी टाइम। यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको देखिए iOS वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, पीसी वर्जन और मैक वर्जन में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं विंडोज़ आइकन पे क्लिक करके विंडोज़ के ऐप को इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये जियोमीट एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है। इंटरफेस यहाँ पे देखिए इसका वर्जन है और यहाँ पे इसका ईमेल आईडी है। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। ये लगभग 75 MB की फाइल है, ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगी। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पहले से ही टिक किया हुआ है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे स्किप कर दे रहा हूँ वीडियो को। तो चलिए, यहाँ से इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप रन ऐप पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं या फिनिश पे क्लिक करके फिर से रीओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे फिनिश करके रीओपन करूँगा। तो यहाँ से रन एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग करने के पहले आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर ले रहा हूँ। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन सेंड हो जाएगा, तो आपको अपने इनबॉक्स में जाकर उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाता हूँ और इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। पहला ही लिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियोमेट का लोगो है, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे वेरीफाई बटन है, या फिर यहाँ नीचे दिए हुए लिंक पे भी क्लिक करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको जियो में रिडायरेक्ट कर देगा जियोमीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसी पासवर्ड को री एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। साथ ही पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड मैक्सिमम, देख सकते हो यहाँ पे पढ़ के। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन मीटिंग नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप गो टू माय अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गो टू माय अकाउंट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो पीसी पे जियोमीट एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और यहाँ पे मीटिंग आईडी है, यहाँ पे
आप लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को कॉपी करके आप यहां से शेयर कर सकते हो मीटिंग होस्ट करने के लिए। और यहां पे आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में यहां पे पर्सनल प्रोफाइल मीटिंग्स और सेटिंग्स दी हुई है। तो यहां पे आपको पर्सनल मीटिंग आईडी में यहां देख सकते हो यहां एडिट का ऑप्शन है। जैसे आप यहां पे एडिट करोगे तो यहां पे पासवर्ड, ये पर्सनल मीटिंग आईडी यूनिक रहती है, यहां से आप पासवर्ड रिफ्रेश करके रैंडमली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहां से आपको कॉपी करना है और उसे सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है और यहां से सेव हो जाएगा। जब आपको मीटिंग होस्ट करनी है तो आप यही यूनिक आईडी और पासवर्ड देके मीटिंग होस्ट करा सकते हो। और यहां नीचे में यहां पे मीटिंग्स के अंदर आएंगे, यहां पे देख सकते हो अपकमिंग मीटिंग्स और प्रीवियस मीटिंग्स। तो यहां पे फिलहाल कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं हुई, यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको टाइप, यहां पे आपको डेट सेलेक्ट करना है किस डेट पे आपको अपकमिंग मीटिंग डालनी है। और यहां पे मीटिंग आईडी रहती है जो यूनिक ऑटोमेटिक जनरेट होती है। आपको ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स कर लेना है, बाय डिफॉल्ट यहां पे ऑफ है तो आप यहां से इसे ऑन कर सकते हो। और यहां पे बाय डिफॉल्ट ये टिक, पहला मार्क टिक किया हुआ है। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद यहां से आप सेव कर लोगे और इसके नीचे आ रहा है PIM सेटिंग्स। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट होस्ट के लिए ऑडियो, पार्टिसिपेंट ऑडियो, होस्ट वीडियो और पार्टिसिपेंट वीडियो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और यहां पे वेटिंग रूम डिसेबल रहता है। तो आप यहां पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। यहां पे हेल्प में चले जाते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इससे रिलेटेड तो यहां पे हेल्प में क्लिक करके आप सहायता ले सकते हो। यहां पे ज्वाइन अ मीटिंग का भी ऑप्शन है, तो यहां पे फिलहाल मैं मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। तो आपको होस्ट अ मीटिंग पे चले जाना है, तो यहां पे जैसे ही होस्ट अ मीटिंग पे जाते हैं यहां पे परमिशन मांगेंगे, यहां पे परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहां से जियो मीटिंग शुरू हो जाएगा, यहां से देख सकते हो एक लिंक आ जाता है और यहां नीचे में उसके नीचे एक बॉक्स से एंटर योर नेम, यहां पे आपको नाम एंटर करना है। यहां पे से माइक्रोफोन और वीडियो को यहां से या तो आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो या फिर अनचेक कर सकते हो। तो यहां से जैसे ही यहाँ पे प्लान और मीटिंग पे चले जाते हैं और यहाँ पे फिर से सेव कर लेते हैं। इसे सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से परमिशन आपको मांगेगा, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है और ओपन करना है। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जियो मीटिंग जैसे ही शुरू होगा उसके पहले यहाँ पे आपको इस बॉक्स में अपना नाम टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे इसे अलाउ करिए या यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पासवर्ड कॉपी किया तो उसे सेव कर पेस्ट कर देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ क्या पासवर्ड था, मैं थोड़ा पासवर्ड भूल गया हूँ। तो प्लान ए मीटिंग पे जाते हैं और यहाँ से एक बार फिर से प्रोफाइल में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से सेव करना पड़ेगा, मैंने यहाँ सेव नहीं किया था। तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हम इसे ऑन कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखिए एक मीटिंग का डेट यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मीटिंग का टाइप है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिर से विंडो ओपन हो जाएगी। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक रहेगा, यहाँ पे नाम टाइप करना पड़ेगा। नाम टाइप करने के बाद चाहे आप माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और वीडियो को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई भी वेबकैम नहीं है, मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने स्मार्टफोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं यहाँ मीटिंग ज्वाइन कर ले रहा हूँ और पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
जैसे ही पासवर्ड को पेस्ट करके ज्वाइन मीटिंग करूंगा तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड रैंडमली चेंज हो जाता है। तो पासवर्ड फिर से एक बार हम जनरेट कर लेते हैं। तो जनरेट करने के लिए सबसे पहले जाते हैं गो टू प्लान अ मीटिंग, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल मीटिंग आईडी, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। तो एडिट के ऑप्शन के नीचे आप देख सकते हो एक पासवर्ड है, यहाँ से आप रिफ्रेश करके पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो। फिर से मैं एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी करनी है, सेव चेंजेस करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको चले जाना है होस्ट ए मीटिंग पे, तो फिर वही ऑप्शन आएगा, आपको अपना नाम सेट करना पड़ेगा और अभी पासवर्ड जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देंगे और ज्वाइन मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको परमिशन मांग रहा है, आपको मीटिंग कनेक्ट करना है विथ वीडियो और विदाउट वीडियो, तो मुझे विथ वीडियो करना है। तो ये देखिए ये मेरा फोटो है, और यहाँ पे मैं अपने स्मार्टफोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन की सहायता से। यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोफोन, यहाँ से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, यहाँ से वीडियो को हाइड कर सकते हो, वीडियो को ला सकते हो, और यहाँ से आप पर्सनलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हो, यहाँ से आप अपने स्क्रीन को शेयर करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए इसे क्लिक करके, यहाँ से सेलेक्ट करके आपको स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ से मीटिंग को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल ज़ैपबाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।